जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम लोग पोएम नंबर 3 इंटरमीडिएट की डिस्कस करेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन इसके पोएट हैं। देखिए, ये पोएम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। बहुत ध्यान से इसके एक्सप्लेनेशन को सीखेंगे, लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा लेसन प्रोवाइड करती है ये पोएम। आइए ध्यान देते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट ने क्या बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए। आइए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एवरी हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड डैट वन टैलेंट विच इज़ देट टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। देखिए, ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन इसके पोएट हैं। जॉन मिल्टन, बहुत ही कम उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। शायद ये 13 साल के आसपास के होंगे, उसी समय इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब है ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स अपने, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन, अपने अंधेपन पर। पोएट ने अपने अंधेपन पर ही ये कविता लिखी है। जब उनके जीवन से उनके आंखों की रोशनी छिन गई थी तो वो ये कविता लिखने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने इस पोएम का निर्माण किया। देखिए कैसे लिखे हैं, बताते हैं, लाइनों को ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए पहला स्टेंजा इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, कंसीडर मीन्स सोचता हूँ, हाउ मीन्स कैसे, माई मीन्स मेरे, लाइट मीन्स रोशनी और स्पेंट मीन्स चली गई है। जब कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई है। एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरे मीन्स पहले, हाफ मीन्स आधे, माई मीन्स मेरे, डेज मीन्स दिनों को। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशाल और घने संसार में मेरे जीवन के आधे दिनों को पूरा करने से पहले मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई है। फिर कहते हैं, एंड डैट वन टैलेंट विच इज डेट टू हाइड। और एक प्रतिभा, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर व्यर्थ पड़ी हुई थी, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा उस टैलेंट को निकालने के लिए उत्सुक थी। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट होता है तो टैलेंट इज जस्ट लाइक द लाइट ऑफ सन। जैसे सूर्य के प्रकाश को रोकना मुश्किल है, उसी प्रकार टैलेंट भी सूर्य के प्रकाश जैसा होता है, उसे भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने आप बाहर आता है तो, और निकलने के लिए वो उत्सुक होता है। तो वही पोएट ने कहा कि जब मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी मेरे आँख जीवन के आधे दिनों को पूरा करने से पहले इस विशाल और घने संसार में कैसे चली गई। तो ये अपने भगवान से पूछ रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं। और कहते हैं कि लेकिन एक प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, भगवान ने इनको पोएटिक टैलेंट दिया है और कह रहे हैं कि उसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर तो व्यर्थ पड़ी रह गई है, दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा उस टैलेंट को निकालने के लिए उत्सुक है। अगले स्टेंजा में कहते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कहते हैं कि मुझे जिसने बनाया है, मुझे अपना सही हिसाब किताब उसे प्रस्तुत करना होगा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जब यहाँ से मैं वापस जाऊँ तो वो मुझे चाइल्ड वन इज कोल्ड, डांटे, वो मुझे डांटे। मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे एक टैलेंट देकर इस धरती पर भेजा और अगर मैंने उस टैलेंट का सही यूज नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लौटते समय वह मुझे डांटें। कहते हैं, डॉथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। भगवान को किसी भी व्यक्ति के कार्य की ज़रूरत नहीं है। डे लेबर माने दिन के भर जो कार्य करते हैं।
कह रहे लाइट डिनाइड, ना तो भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की ज़रूरत है, फिर भी दोत गॉड एग्जेक्ट डे लेवर, यद्यपि मैंने भगवान की दिन रात सेवा की। सॉरी, इसका होगा दोत गॉड एग्जेक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, कि भगवान को किसी व्यक्ति के नहीं, डॉट मीन्स की करना, डॉट मीन्स डू, डू मीन्स करना, गॉड मीन्स भगवान की, एग्जैक्ट डे लेबर, दिन रात मैंने सेवा की, दिन भर कार्य किया भगवान के लिए, उनकी प्रार्थना की, लाइट डिनाइड, फिर भी मेरे आंखों की रोशनी क्यों चली गई है। क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी मेरे आंखों की रोशनी क्यों चली गई। फिर कह रहे आई फाउंडली आस्क, मैंने प्यार से पूछा, बट पेशेंस, धैर्य रखते हुए पूछा, कह रहे टू प्रिवेंट, मेरी अंतरात्मा ने मुझे रोका, एंड दैट मर्मर सून रिप्लाइड, और मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया कि गॉड डॉट नॉट नीड इधर मैंस वर्क, भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसके उपहार की आवश्यकता है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वही उसका सबसे अच्छा सेवक होता है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो उसके द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को सह लेता, बियर माने सह लेता है, माइल्ड मीन्स हल्के, योग मीन्स कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसका सबसे अच्छा सेवक होता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेंजा नंबर, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, हिज स्टेट से लेकर लास्ट तक, अब जहाँ तक हम पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओसिन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कह रहे कि हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजाओं का राज्य है, भगवान का जो राज्य है वो राजाओं का राज्य है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओसीन समुद्रों पर, बिना आराम किए हुए कार्य करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे उनकी भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो ईश्वर की प्रार्थना में सदा खड़े रहते हैं और उनका इंतजार करते हैं, ये देवदूत उनकी भी सेवा करते हैं। इस तरह से ये स्टेंजा की हिंदी हमने आपको बताई। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की, जो पेपर में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप कोटेशन लिखेंगे सेंट्रल आइडिया में, जैसा कि आप जानते हैं, वन हिज ब्लाइंड, सॉरी वन की जगह ऑन होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सनेट ऑफ जॉन मिल्टन, इसको ऑन कर लीजिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सनेट, सनेट देखिए 14 लाइनों की पंक्तियों वाली कविताओं को सनेट कहा जाता है। यार इट शोज दैट द वे ऑफ गॉड आर जस्ट, ये भगवान के रास्तों को बताती है। द पोएट इज वेरी सैड एंड एज ही हैज बिकम ब्लाइंड इन ए वेरी अर्ली एज, कवि बहुत दुखी है अपने कम उम्र में, क्योंकि वो अंधे हो गए थे। सो ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, इसलिए वो भगवान के लिए अपना पोएटिक टैलेंट यूज करने में असमर्थ हो गए हैं। ही कंप्लेन्स दैट, वो कंप्लेन शिकायत करते हैं कि गॉड कांट होप एनी सर्विस फ्रॉम हिम, कि भगवान अब किसी प्रकार की सर्विस की आशा उनसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ही हैज़ टेकन अवे हिज आई साइट, क्योंकि भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। बट सून ही रियलाइज, लेकिन जल्द ही उनको महसूस होता है कि हिज मिस्टेक, कि उनकी गलती क्या है। ही फील्स दैट गॉड डज नॉट वॉन्ट एनी रिटर्न फ्रॉम हिज गिफ्ट, भगवान को कभी अपने उपहार के बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। ही इज वेरी पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली है। ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा है। ही हैज मैनी एंजल्स, उसके बहुत से देवदूत हैं। दे ओवे हिज ऑर्डर ऑन द लैंड एंड द सी विदाउट टेकिंग रेस्ट, वे उनकी आदेशों का पालन करते हैं पृथ्वी पर और समुद्रों पर बिना आराम किए हुए। फिर नोट में आप लिखेंगे कि मैन हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द वे ऑफ गॉड, व्यक्ति को भगवान के रास्तों में इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता, सॉरी अधिकार नहीं है। इस तरह से आपने सेंट्रल आइडिया अपना प्रेजेंट करिएगा पेपर में। अब जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बताया था, हिज स्टेट से लेकर वेट तक है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका आपको सिखा दिया है, आप इसे देखकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। हिज स्टेट से वेट तक पेपर में कई बार आ चुका है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, इस तरह से ये हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।